आज कुकी रिपीट पर हम तैयार करेंगे वनीला चोको आइसक्रीम, जिसमें ना तो हमने क्रीम मिक्स की है, ना ही कंडेंस्ड मिल्क डाला है, ना ही हमने एग डाला है, ना क्रीम डाली है और ना ही बीटर यूज किया है। तो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है हमारी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर। तो हम चलिए तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक पैन लिया है मैंने और अभी गैस पर नहीं रखा है इस पैन को। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर। तो इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं हम, कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लावर। तो इसके बाद हमने लिए हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर हमने 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर इसमें यूज़ किया है, क्योंकि हमने इसमें कोई क्रीम यूज़ नहीं की है, कोई भी कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं किया है, उसकी जगह पर हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर मैंने इसमें यूज़ किया है। और अब हम लेंगे इसमें शुगर। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप शुगर यूज़ की है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं दूध। तो फुल क्रीम मिल्क मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इसमें डाला है 700 ml दूध। तो इसे पहले हम मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। हम डायरेक्ट इसे गैस पर नहीं रख रहे हैं ताकि इसमें लम्स ना बने, इसीलिए पहले हम इसे सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसे गैस पर रख लेंगे। जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी सभी चीज़ें दूध में अच्छी तरह से, तभी हम इसे गैस पर पकाएंगे। उससे पहले हम इसे गैस पर बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। तो अब हम इसे गैस पर रख लेते हैं और 2 से 3 इसमें उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो भी चीज़ें हमने मिक्स की हैं वो लम्स ना बन जाएं, और जो ये किनारों पर दूध जम जाता है उसको भी हम लगातार छुड़ाते रहेंगे। तो 2 से 3 उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। और देखिए हम इसे लगातार चलाते रहे हैं, दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स किया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी थिक हो गया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। हम इसमें कोई चॉकलेट यूज़ नहीं किया है, चॉकलेट पाउडर यूज़ नहीं किया है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो झटपट तैयार करते हैं इसको। देखिए दूध में बॉयल आ चुका है और मैं अभी भी इसे पका रही हूँ, क्योंकि अभी 2 से 3 मिनट और 2 से 3 बॉयल हमें इसमें अच्छे से ले लेने हैं। तो देखिए काफी थिक हो गया है दूध और अब 2 से 3 उबाल भी इसमें आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये दूध हम नीचे उतार लेंगे गैस से और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो इसे अब हमने गैस से उतार लिया है और देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा भी कर रहे हैं हम। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें एसेंस मिलाएंगे। और अभी भी हम इसे लगातार चला रहे थे। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है वेनिला एसेंस। तो 1/2 छोटा चम्मच में इसमें वेनिला एसेंस मिक्स कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, क्योंकि हम वेनिला चोको आइसक्रीम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनती है, बहुत ही इजी है। जो हम इसमें लेयर डालने वाले हैं वो बहुत ही इजी है बनानी, बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम आपको लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है वेनिला एसेंस डालने के बाद। और ये जो दूध है हमने जो मिक्स किया है इसको हम इस बॉक्स में डाल देंगे और 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। हमें इसे 50% ही अभी सेट करना है, पूरी तरह से सेट नहीं करना है। तो इसीलिए अब हम इसे कवर कर देंगे और 2 घंटे के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। तो इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं और 2 घंटे के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं और मैंने इसे बॉक्स को फ्रीजर से निकाल लिया है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये 50% ही सेट हुई है। देखिए हल्का हल्का जब हम इसे मूव कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो देखिए इस तरह से, बस हमें इस तरह से ही सेट करनी है, इससे ज़्यादा हमें सेट नहीं करनी है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से बॉक्स से अलग कर लेंगे और एक बड़े मिक्सिंग बाउल में हम इसे निकाल लेंगे।
तो हम यहाँ पर मिक्सर जार का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बीटर भी हमने यूज़ नहीं किया है। हम इसे एक ऐसी चीज़ से फेंटेंगे जो अक्सर सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो हम लेंगे, देखिए यहाँ पर अब हमने लिया है ये विस्कर जो सभी के पास अवेलेबल होता है, जिससे हम दही फेंटते हैं अक्सर। तो इससे हम 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जब तक कि इसमें अच्छे से बबल्स ना आ जाएं तब तक हम इसे फेंट लेंगे। ये बहुत ही लाइट हो जाती है और इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो हमें इसे 5 से 7 मिनट तक लगातार फेंटा है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं दिखा देती हूँ आपको, इसमें काफी बबल्स आ गए हैं। तो इस कंडीशन तक हमें इसे आइसक्रीम को फेंटना है। अब यहाँ पर मैंने एक जो बॉक्स था एक बार फिर से, उसमें हम थोड़ी सी आइसक्रीम का बैटर डाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच मैंने लिए हैं, इसको हम अलग कर लेंगे और इसमें हम चॉकलेट फ्लेवर देंगे। तो हम यहाँ पर हर्षी सिरप यूज कर रहे हैं चॉकलेट पाउडर की जगह पर, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो मैंने यहाँ पर ये हर्षी सिरप का सैशे लिया है, तो इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो इससे हमारी आइसक्रीम में चॉकलेट फ्लेवर भी आ जाएगा। देखिए आ गया ना कितना अच्छा चॉकलेट कलर। अब हमने आइसक्रीम बॉक्स ले लिया है, आप कोई भी बर्तन में जमा सकते हैं, स्टील का डब्बा ले लें, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लें, किसी भी चीज़ में आप ये आइसक्रीम सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसे सेट करने के लिए इसमें लेयर्स डालेंगे। तो सबसे पहले वनीला आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर वाला जो हमारा मिक्सचर है वो हम इसमें डालेंगे, करीब 3 से 4 बड़े चम्मच। ये लेयर्स बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसकी वजह से आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। और इसके बाद हमने जो चॉकलेट फ्लेवर लिया है, तो देखिए इस तरह से हम उसे अपने बॉक्स में डालेंगे, बिल्कुल इस तरह से लेयर डालेंगे। और अब हम इसे साइड साइड डालेंगे, जो वेनिला फ्लेवर वाली है उसको हम साइड साइड इस तरह से डालेंगे। तो उसे हम 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर डालेंगे, फिर से हम 1 बड़ा चम्मच चॉकलेट फ्लेवर डाला है, फिर दोबारा से इसी चीज़ को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे जो बैटर है आइसक्रीम का ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसी तरह से हमें डालने हैं दोनों को। इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है जब ये जम जाती है, सेट हो जाती है। और जब हम पीसेस में इसे कट करते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम लगती है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये आपने बाजार से नहीं मंगाई है, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये आपने घर बनाई है। तो देखिए आप इसकी लेयर्स इस तरह से देख सकते हैं। तो अब मैं इसे 8 घंटे के लिए फ्रिजर में रख दूंगी सेट होने के लिए। पूरी रात रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए इसमें बबल्स भी आप देख रहे हैं और लेयर्स भी आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से इसमें चॉकलेट की लेयर्स आ गई हैं। तो अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। और ये मैंने बाहर निकाल ली है अब आइसक्रीम, और पूरी तरह से सेट हो गई है। तो हम जो इसकी साइड्स हैं उसको हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे लूज कर लेते हैं ताकि हम इस बॉक्स से आइसक्रीम को ईजिली निकाल सकें। और 2-3 मिनट हम इसे फ्रिज से बाहर इसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा लूज हो जाए नीचे से भी, और आसानी से हम इसे इस बॉक्स से बाहर निकाल सकें। तो अब हम लेंगे एक ट्रे, उससे इसके ऊपर कवर करेंगे और इसको पलट देंगे। तो देखिए पलटने के बाद आप देख सकते हैं ना, अब मैं इसे पीसेस में कट करके आपको दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से हमारी चॉकलेट की लेयर्स इसमें आई हैं। और इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम जैसा है। और हमने कोई क्रीम इसमें यूज़ नहीं किया है, अंडा यूज़ नहीं किया है, कंडेंस्ड मिल्क इसमें यूज़ नहीं किया है, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ही ईजीली आप घर के सामान से ही आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। और बिल्कुल लेयर्स देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छी तरह से आई हैं। तो हमारी जो वेनिला चोको आइसक्रीम है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट है ये, आप देख रहे होंगे कि कितने इजीली मेल्ट हो रही है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।